सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम से जूझ रहे थे लोग वो था रिजर्वेशन, लेकिन अभी जो सुरेश प्रभु जी ने एक बहुत अच्छी चीज की है कि अभी तक जो टिकटिंग होती थी वो 200 टिकट्स पर मिनट था, लेकिन अब उसको एक्सटेंड करके 700 टिकट्स पर मिनट कर दिया गया, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। अब आराम से ई टिकट आपको अवेलेबल हो सकती है। एक बेहतरीन चीज जो की गई है, अभी तक जो महिलाओं के लिए जो डिब्बा जोड़ा जाता था वो सबसे लास्ट में जोड़ा जाता था, और आपको पता ही है कि सब जगह पे हर एक छोटे छोटे स्टेशन पे गाड़ी रुकती है, वहां से मतलब अज्ञात व्यक्तियों का चढ़ना, अनऑथराइज यूजर्स का चढ़ना, मतलब वो इनसिक्योर होता था औरतों के लिए, लेकिन उसी चीज को अब जो है सेंटर में कर दिया गया है जो महिलाओं वाला डिब्बा है, ताकि सिक्योरिटी मॉनिटर भी उसे महिलाएं सेफ रहे। सबसे अच्छी बात यह है कि कोई जो किराया नहीं बढ़ा है, कुल मिला के ये सब चीजें हमारे लिए आम आदमी के लिए तो बेस्ट है। 2-3 सौगात जो कि रेल के रूप में नहीं मिली पर परियोजना के रूप में मिली, जैसे इंदौर मनमाड़ लाइन का मंजूरी हो गई है, इंदौर उज्जैन दोहरीकरण हो गया जो कि वर्षों से मांग थी इंदौर की, जिससे गाड़ियां लेट होती थी वो रेलवे ने मंजूर दे दिया है, और तीसरा है फतेहाबाद उज्जैन को दे दिए। अपेक्षा से तो अच्छा नहीं पर ठीक बजट है, इसको गलत भी नहीं बोल सकते, क्योंकि सहूलियत दी गई यात्रियों को, वो चीज़ें सीनियर सिटीजन को 50% कोटा करने का किया, महिलाओं को सुरक्षा को लेकर करके करने को कहा। यात्रियों के इतना ही है, भाड़ा अगर बढ़ जाए थोड़ा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रेल में यात्री को दिक्कत नहीं होना चाहिए। लड़ाई इतनी ज्यादा हो जाती है कि बैठने में तो इंसान एक दूसरे के धक्के में उतारू हो जाते हैं, इसमें तो ट्रेन में तो ये तो सुविधा होनी चाहिए, गार्ड तो होना चाहिए। जेंट्स लोग सब साथ में बैठते हैं ना, तो महिलाओं के लिए मतलब ऐसा हुआ सिंगल महिला जो जा रही है तो उसके लिए इतना होना चाहिए कि अलग से महिला बॉडी हो। रेल बजट की बात करें और स्पेशली मालवा की बात करें, तो मालवा के जितने प्रोजेक्ट थे उसके ऊपर सबके ऊपर पैसा मिला है। काफ़ी लोगों की डिमांड थी इंदौर मनमाड़ जो न्यू लाइन का था उसमें सेंक्शन मिली है, इसके बाद में उज्जैन फतेहाबाद जो मीटर गेज थी पहले उसको ब्रॉड गेज कन्वर्जन की बात कर रहे थे और काफ़ी टाइम से उसकी डिमांड हो रही थी, तो उसको भी मंजूरी मिल गई है। डबलिंग जो है उज्जैन देवास इंदौर, जिससे कि हमारी गाड़ियाँ लेट होती थी और एक ही लाइन थी, तो उसके लिए भी मंजूरी है और उसमें सैंक्शन हुआ है। मतलब इसके अलावा जितने प्रोजेक्ट हैं उसके ऊपर भी हम लोगों को पैसा मिला है गेज कन्वर्जन के बारे में, तो कुल मिला के काफ़ी बजट में, इस बजट में काफ़ी पैसा मिला है अब मालवा क्षेत्र को। वाईफाई है वो इंदौर के लिए रहेगी, इसके अलावा जो महिलाओं की सुरक्षा है, सबसे बड़ी महिलाओं की सुरक्षा है, जिस सीसीटीवी के थ्रू हम लोग उसके ऊपर निगरानी रख पाएंगे वो महत्वपूर्ण है। वरिष्ठ नागरिकों को उसका कोटा 50% पड़ाए हैं, तो उसके लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हम अपने बुजुर्गों को जब तक सम्मान नहीं देंगे हम लोग सम्मानित नहीं रह सकते। इसके अलावा जो रेल मंत्री महोदय ने जो एक घोषणा की है कि 2020 तक हम लोग हर यात्री को आरक्षित सीट प्रदान करेंगे, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है और बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर आने वाले टाइम अगर ऐसा होता है तो हमारे यात्रियों को बहुत सुविधा रहेगी। कुल मिला के ये बजट बहुत अच्छा बजट है।